नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टूरिस्टिक स्कूल में। दोस्तों कुछ यानी कि 7-8 महीने पहले करीबन मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था कबाड़ से जुगाड़, और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि आप लोगों को इस टाइप के आइडियाज़ पसंद है, तो मैं आज उसी की कड़ी में एक दूसरा वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें एक मैंने जो जो कबाड़ से जो आइटम्स बनाए हैं गार्डन में जो यूज़ किया है डेकोर करने के लिए या प्लांटर्स जो बनाए हैं वो सभी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और कुछ मैंने उसमें प्लांटर्स जो है आपने पिछली बार देखे थे वो भी ऐड किए हैं, लेकिन इस एक साल की पीरियड में मैंने बहुत से प्लांटर्स ऐसे बनाए हैं जो आपके लिए नए हैं। हालांकि मैंने काफ़ी शेयर भी किए हुए हैं, लेकिन सारे प्लांटर्स को मैं आज एक साथ दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे इस वाटर फाउंटेन से जो कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। और इसमें भी देखिए स्टोन्स टब वगैरह ये सारे मेरे जो वेस्टेज थे जो घर में काम में नहीं आ रहे थे उनको मैंने एज ए गार्डन डेकोर में यूज़ कर लिया है, और ये मेरा कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब मैं वन बाय वन आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे पहले वर्टिकल गार्डन वाले जो मैंने प्लांटर्स बनाए हैं। ये देखिए ये बॉटल प्लांटर है, ये हार्पिक बॉटल जो होती है उससे बनाया हुआ, इसमें मैंने क्लोरोफाइटम लगाया हुआ है। और ये देखिए ईगल प्लांटर जो कि अपनी शैम्पू बॉटल आती है उससे मैंने बनाया है, और ये एस्पेरेगस लगाया इसमें। और ये तो मैंने आपको लास्ट ईयर दिखाई थी, और ये 2-3 साल से मेरी इजीली इसमें मैं नई नई कटिंग्स लगा देती हूँ और ये चल जाता है। और ये भी मैंने आपसे ट्राइबल वुमेन प्लांटर शेयर किया हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है आप देख पा रहे होंगे। और इसके ऊपर ये है मेरा टायर प्लांटर। और इस तरीके से आप पीवीसी पाइप्स अगर आपके पास पड़ी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए वर्टिकल गार्डन डेकोर के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे छोटी छोटी बॉटल्स हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं से शुरुआत कर रही हूँ, बाद में मैं आपको दिखाती जाऊँगी मैंने जितने भी प्लांटर्स बनाए। ये देखिए ये मैंने इन दिनों में ही बनाया, ये वर्ली आर्ट किया है इसके ऊपर। और ये मेरा हेलमेट प्लांटर है जो कि हैंगिंग के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इसमें काफ़ी सारी देखिए ब्रांचेज भी हैंग करती हुई बहुत प्यारी लगती है, अच्छा सा बन गया है ये। और ये आप देख पा रहे होंगे ये मेरा मॉन्स्टर प्लांटर है, और इसमें ये देखिए टीथ बनाया मैंने, और इसके अंदर ये जेड की कटिंग्स लगाई है। और ये सब मैंने बनाया है बॉटल से जो कि अपनी शैम्पू की बॉटल आती है उनको मैंने यूज़ किया है। इसकी आइज़ बनाई है मैंने उनके जो कवर्स होते उनसे, और इस तरीके से ये हैंगिंग मेरा इजीली विदाउट कोस्ट तैयार हो गया। और ये बोटल्स अपने घर में लगभग हर घर में ये गर्मियों के सीज़न में आई जाती है, तो इस पे हल्का सा आपको पेंट करना है इस तरीके से माउथ ड्रॉ करके, और कोई भी आप उसमें हैंगिंग प्लांटर लगा सकते हैं, और ये भी ब्यूटीफुली आपके गार्डन को सजाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी पिछले साल की है, इनमें मैं हर साल नई नई कटिंग्स लगाती रहती हूँ। और ये देखिए फेस प्लांटर डिटर्जेंट बोटल जो है उससे मैंने बनाया है। तो काफ़ी सारा कबाड़ अपने घर में निकलता रहता है और हम उसको इधर उधर फेंकने की जुगाड़ में लगे रहते हैं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए हम भी करें। तो मेरी ये एक मुहिम ही मानो कि मैं घर से कोई एक छोटा सा कप भी बाहर नहीं जाने देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप हैंगिंग तैयार कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। अब देखिए मेरा ये एक हैंगिंग प्लांटर, ये भी मैंने वेस्टेज से बनाया है, और इसमें मेरा क्लोरोफाइटम बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये देखिए इसमें से बेबीज़ भी निकल गए छोटे छोटे। तो ये इस तरीके की आपकी पीवीसी पाइप्स आपके घर पे ज़रूर कहीं ना कहीं आपके कोने में कहीं कहीं मिलेगी, तो आप उससे इस तरीके से बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए। इधर मैंने ये कवर लगा दिए हैं कोई भी प्लास्टिक के, बीच में मैंने यहाँ पर होल कर दिया है पानी के लिए, और नीचे एक ड्रेनेज होल बनाया हुआ है। और इस तरीके से हो गया अपना अच्छा सा ये तैयार। अब देखिए ये एक छोटा सा मेरा ये ऑयल केन था, इसमें सिर्फ आइस बनाई थी, काफ़ी दिन हो गए, ये मेरा पुराना हो गया। इसमें प्लांट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, लोग कहते ना कि प्लास्टिक में प्लांट ग्रो नहीं करता, तो ये देखिए ब्रायोफिलम का बहुत अच्छी सी इसकी ब्रांचेज होके और इसने बहुत अच्छी हाइट ले ली है। और इसके ऊपर देखिए आप ये बाउल है छोटा सा, और इसमें देखिए इसमें ये मैंने कैक्टस लगा रखा और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे हम प्लांटर्स ईजिली घर पर बना सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी टेबल डेकोर की हुई है जो कि मैं यहाँ वहाँ डेकोर करती रहती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे कप्स जो होते हैं उनके टिप्स टूट जाते हैं या साइड से क्रेक हो जाता है, तो फिर हम उसको काम में नहीं लेते, तो मैंने इनमें छोटे छोटे ये देखिए प्लांट्स लगा लिए हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। और ये देखिए ये बहुत प्यारा सा प्लांटर, बहुत सुंदर लगता है। और ये प्लांटर है अपनी जो सेलो की जो बॉटल आती है वाटर बॉटल,
वो ख़राब हो गई, तो उसको ऊपर से कट करके उसमें मैंने 2Z की कटिंग्स लगा दी। तो देखिए कितना प्यारा सा ये प्लांटर बन गया। इसको कहीं भी आप घर में, गार्डन में या लिविंग रूम में आप डेकोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा टायर प्लांटर है और इसमें मैंने टॉपियरी बनाई है, गायों का बाड़ा बनाया है और छोटा सा इसमें झूला लगाया है। तो इस तरीके से ये देखिए आप भी बना सकते हैं ना, बहुत प्यारा सा ये मेरा ये टेबल कॉर्नर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे अपने घर में मिल ही जाते हैं। हम जब कोकोनट वाटर पीते हैं तो इसमें इस तरीके के आप प्लांट लगा सकते हैं। और अब मैं इसको कुछ दिनों बाद में कलर कर दूंगी तो ये बहुत प्यारा सा हैंगिंग बन जाएगा, इसको हैंग भी कर सकते हैं। और ये मैंने आपसे पहले शेयर किए हुए, इनको बनाना भी, ये सब बेकार से टब थे जो हल्के फुल्के टूटे हैं या क्रेक है या जिनकी साइड में ख़राब हैं, वो सबको मैंने इसमें देखिए ये लगाया है। पर्पल हार्ट बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसके बीच में मैंने लगा दी है PVC पाइप और उसमें लगाया हुआ है ये मेरा एस्पेरेगस। तो ये ब्यूटीफुल से 2 कॉर्नर मेरे तैयार हो गए हैं। और ये दूसरा देखिए, ये भी एक टब है और ये तो पूरा जंगल बन गया है इसमें। ये देखिए विंका के फ्लावर्स, बहुत सारे विंका के फ्लावर्स इसमें आ रखे हैं। और बीच में मैंने लगा रखा है मेडिसिनल एलोवेरा, बहुत ही ग्रेट लुक देता है मेरे गार्डन को। और साथ में ही प्यारे से ये देखिए नन्हे मुन्ने से इसमें प्लांट लगे हुए हैं, मदर ऑफ 1000 के बहुत सारे इसमें लग गए। तो ये गिफ्ट करने के काम में आते रहते, इसलिए मैं हटाती नहीं हूँ, जो भी प्लांट लगता है मैं रहने देती हूँ। तो ये देखिए छोटा सा एक टब है, इसको हम कितने अच्छे से डेकोर के रूप में यूज़ कर सकते, कितना मस्त लुक दे रहा है ये। ये स्टोन आर्ट है, इस पर थोड़ा सा पेंट करके और ये छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश की है। और साथ में ये ग्लास का जग है और इसमें मैंने सिंगोनियम की कटिंग लगा रखी है, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रही। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लांटर हम घर पे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल वेस्टेज मटेरियल से। अगेन मेरे टब प्लांटर है और एक में मेरे एलोवेरा लगा हुआ और साथ में दूसरे में ट्रेडिस्किनसिया और है एस्पेरेगस का ये फुल ब्लूम किया हुआ गुच्छा, जो कि बिल्कुल ग्रीन लुक देता है। बहुत अच्छा प्लांट है ये। और इसकी खास बात है, इसको डीप जो है प्लांटर चाहिए, तो मैंने इसके लिए ये पाइप सजेस्ट, मतलब बिल्कुल ये इसके लिए सही रही, मैं कहूँगी कि पाइप में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरा भी बनाया हुआ है, ये इधर देखिए। तो इस तरीके से मैंने ये 2 बना लिए हैं। ये देखिए ये कॉर्नर मेरा तैयार हो गया, बिल्कुल वेस्टेज से देख सकते हो आप। और ये एक छोटी सी प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कैप और जो लस्सी के कुल्हड़ आते हैं उनसे मैंने बनाई है ये डॉल। और उसमें मैंने लगता है ड्वार्फ वैरायटी का ये स्नेक प्लांट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल, कहीं भी आप इसको घर में डेकोर के रूप में यूज़ कर सकते हो, बहुत सुंदर सी ये डॉल लगती है, बहुत ब्यूटीफुल। ये मैंने आपसे शेयर की हुई है कि किस तरीके से बनाई है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी हूँ। और ये दूसरा मटकी प्लांटर मैंने आपसे पिछले साल शेयर किया था और ये देखिए बिल्कुल इसका कलर नहीं गया है कहीं से भी और ये बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है। और इसमें मेरा ये जेड प्लांट है, इसको मैंने टॉपियरी में बदलने की कोशिश की है। और इस तरीके से देखिए ये एक पिकॉक की शेप देने की कोशिश की, धीरे 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 ये और घना होता जाएगा। तो इसकी देखिए बहुत अच्छे से ये मटका प्लांटर बहुत अच्छा चलता है फ्रेंड्स। आप भी अगर आपके पास कोई मटका है तो इस तरीके से बना सकते हैं ये। ये देखिए ये खाली च्यवनप्राश के डिब्बे जो आते हैं उन पे हल्का सा पेंट करके और इस तरीके से इसमें प्लांट लगाए हैं। और इधर ये फेविकोल का डिब्बा, ये तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ, हल्का सा इस पर पेंट किया है। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से इसमें मेरी ये मनी प्लांट लग रही है। और ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ कि किस तरीके से मैंने मोस्टिक बनाई थी इस तरीके से त्रिभुज का सा ट्राइंगल शेप देके, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही। तो देखिए वेस्टेज मटेरियल से कॉर्नर कितने डेकोर हो जाते हैं और पैसे भी नहीं लगते हैं। ये छोटे छोटे प्लांटर्स, इसमें लिली लगाई हुई है, ये मेरा गजबन प्लांटर है आप देख सकते हैं। और देखिए कलर भी बिल्कुल इनके फाइन है, इसमें लोरोपेटलम है, देखिए धूप की कमी की वजह से थोड़ी सी पत्तियाँ इसमें कलर थोड़ा सा कम हो गया है। और ये देखिए लिली लगाई हुई है, ये भी फेविकोल का डिब्बा है, हल्का सा कलर किया है, बस कुछ नहीं करना। और ये बालों का लुक देते हैं, लिली बहुत अच्छी लगती हैं। ये एस्पेरिगस, इसका माउथ बना के इसमें से निकाल दिया और ये भी हैंग करता हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप चाहो तो यहाँ से भी आप हैंग कर सकते हो इस तरीके से। ये ऊपर वाला प्लांटर ये आपसे मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने प्लांट चेंज कर दिए और इसके दोनों भागों में देखिए मैंने ये लगा दिए इसमें स्पाइडर प्लांट। एक ये भी प्लांट बिल्कुल वेस्टेज से तैयार किया हुआ है और इसमें भी मेरे ये देखिए ड्वार्फ वैरायटी वाले सारे ये चल रहे हैं प्लांट्स। इसमें ये बच्चों का जो पोटी स्टैंड होता है उसको भी मैंने यूज़ कर लिया, ड्रेनेज होल बनाया
और बीच में देखिए कितना जंगल तैयार हो गया ब्यूटीफुल सा, ये आप देख सकते हैं। ये सारा एक ही छोटे से प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट और बहुत ब्यूटीफुल सा, आप चाहो तो इस पर यहाँ पर फेस भी डेकोर कर सकते हो, फेस ड्रॉ कर लो छोटे छोटे इस तरीके से। ये देखिए ये सारे वेस्टेज मटेरियल से मेरे बनाए हुए हैं। चलिए आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा कैना लिली का प्लांट बहुत ब्यूटीफुल सा, और ये लगा हुआ किसमें आप देखना, बहुत अच्छे से चल रहा है ये प्लांट। और ये भी मैंने लगाया है एक वेस्टेज में, देखिए बकेट है ये, इस पर हल्का सा कलर किया, तीन चार साल से ये अच्छी चल रही है। ये देखिए वेस्टेज मटेरियल से कुछ और प्लांट्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ ये दो चार प्लांट्स। और ये देखिए थर्माकोल डिब्बा जो होता है उसमें बहुत अच्छे से ये रियो चल रहा है, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसमें फील गया है, सारा सारा थर्माकोल के डिब्बे में है ये। ये देखिए टब, और इसमें मैंने ये टावर बना रखा है, फ्लावर टावर। और अब जैसे ही अच्छी धूप आएगी और पानी आएगा तो बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो लोहे के केन होते हैं उनमें मैंने लगा रखा है, ये देखिए वाइट आर्क जो होता है, ये देखिए इसमें केरी भी आ गई है, सीड्स फ्लावरिंग सभी कुछ इसमें अच्छे से हो रहा है। और ये भी एक लोहे का केन है, इसी में लगा रखा है। और इस प्लांट की खूबसूरती देखिए, बस इसके बाद में मैं वीडियो बंद करूँगी, बहुत लंबा हो गया है। ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट, कितना घना, और ये लगा हुआ किसमें है ये देखिए आप, ये अपने जो डस्टबिन होते हैं उनमें लगा हुआ है ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके और बहुत अच्छे से अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हो। टब तो मैं दिखाना भूल ही गई, देखिए आप इसमें बहुत अच्छे से मेरी ये वाइन जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ब्यूटीफुल से मेरे ये लुक देती है मेरे टेरेस गार्डन को। ये देख लीजिए ये पूरा वेस्टेज से बनाया हुआ है मैंने। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है या सुझाव है मेरे इस गार्डन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।